की 17 साल की है। अभी शायद आप लोगों ने बहुत ताजी घटना है, दशक महीने पुरानी, 8-10 महीने पुरानी, बरेली में एक लड़की अपने घर से ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, कुछ लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसे ट्रेन के आगे फेंक दिया था। बहुत अखबारों में बहुत जबरदस्त तरीके से छपी थी। ये लड़की वही है, ये बच्ची, इसे मतलब मारने के हिसाब से ट्रेन चलती ट्रेन के आगे फेंका था और इसके दोनों पैर और एक हाथ उस दुर्घटना में चले गए। पर इतनी बुलंद हौसले वाली लड़की थी, इसने अपने जीवन और मौत से संघर्ष किया, अपने आप को खड़ा किया। जीवन आशा ने जैसे ही हमें इस घटना की जानकारी मिली थी, तुरंत हमने इनके परिवार वालों से संपर्क किया, शासन प्रशासन में संपर्क किया कि इस लड़की को जो है हाथ और पैर लगा के हम सक्षम बनाएंगे। लेकिन इस तरह की बेटियां हम कैसे बचा पाएंगे और कैसे पढ़ा पाएंगे? जैन समाज के विरले संत आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की दृष्टि ऐसे लोगों पर पड़ी तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। और जब इंसान देखे फाइनेंशियल रूप से कमजोर होता है और ऊपर से ये तनकी लाचारी, तो मन से तो वो विकलांग अपने आप ही हो जाता है। लेकिन आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज जी के आशीर्वाद से जीवन आशा हॉस्पिटल में ऐसे विकलांगों को कृत्रिम अंग देकर उन्हें दिव्यांग बनाया जा रहा है और उनकी और उनको सेल्फ रेस्पेक्ट भी पूरा मिल रहा है। और यहाँ पे हमारे जीवन आशा हॉस्पिटल में ऐसी ही लड़कियाँ रिसेप्शनिस्ट बोली आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की। अभी आप लोग देख रहे थे उस बालिका को जो व्हील चेयर के अंदर बैठकर आई थी, अभी आप अपने सामने देखेंगे वो बच्ची खुद अपने पैरों से चलकर आएगी। जीवन आशा के माध्यम से जो उसको करते अंग लगाए गए हैं, वास्तव में वो ऐसे अंग हैं जैसे हमारे ओरिजिनल अंग हुआ करते थे। अभी आपने देखा ना व्हील चेयर के अंदर, और उसको व्हील चेयर के अंदर से बैठाकर मंच पर लाया गया। अभी वह बच्ची खुद अपना हाथ से और पैरों से चलकर यहाँ पर आने वाली है। सागर गुरुवर की लाचार बीमार को देखा, सौरभ सागर गुरुवर ने लाचार बीमार को देखा। सेवा उपचार है तो खींची आशा की रेखा, सेवा उपचार है तो खींची आशा की रेखा। जीवन आशा बनाया है, दुख और दर्द मिटाया है। जीवन आशा बनाया है, दुख और दर्द मिटाया है। और अभी इस बच्ची को ये पैर लगाए गए हैं, अभी ये बच्ची प्रैक्टिस पे है, इसको चलने का अभ्यास यहाँ से कराया जा रहा है। एक में देखो दोनों पैरों पर खड़ी है, आप देख सकते हैं दोनों पैरों पर, अपने पैरों पर खड़ी है। ये बच्ची अपने भाव व्यक्त करना चाहती है आचार्य श्री। हेलो, आप सबको मेरा जय जय आनंद और गुरुजी के आशीर्वाद से आज मैं खड़ी हूँ। ये मेरे बहुत भाग्य की बात है। मैं चाहती हूँ गुरुजी का आशीर्वाद मेरे पर बनी रहे और डॉक्टर शैलेश का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। उनके आशीर्वाद से, गुरुजी की कृपा से उनके ऊपर मेरी कृपा बनी रहे और मैं चाहती हूँ उनके चरणों में, बहुत खुश हूँ मैं उनके चरणों में आज खड़ी हूँ। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे पर बनी रहे। मैं आप सभी को यहाँ पर धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे कृत्रिम पैर लगाए गए हैं और मैं इन पैरों पर खड़ी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत